इन दिनों दिल्ली एनसीआर धुएं वाली ऐसी मुसीबत से जूझ रहा है जिसका हल किसी के पास नहीं है। पिछले 5 सालों के मुकाबले देश की राजधानी में इस अक्टूबर को डेंगू के सबसे ज्यादा मामले पाए गए और उसे रोकने के लिए ज्यादातर इलाकों में फॉगिंग की जा रही है, यानी दवाई वाला धुआं जिससे मच्छर मारे जा सके। हालांकि डेंगू के मामले फिर भी नहीं रुके और पहले से प्रदूषण के सताए लोगों को दबघोटू धुआं झेलना पड़ रहा है सो अलग। दिल्ली में डेंगू को रोक न पाने के लिए बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है, लेकिन मच्छर राजनीति से ऊपर उड़ रहे हैं और डेंगू बुखार किसी सरकार के काबू में नहीं आ रहा है। ऐसे में अस्पतालों की ओपीडी हो या वार्ड में भर्ती मरीज, हर तरफ डेंगू की मार है। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलते ही बुखार ने लोगों को जकड़ लिया है और सबसे ज्यादा संख्या डेंगू के मरीजों की है। कोई अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए ब्लड का इंतजाम कर रहा है तो कोई बकरी का दूध ढूंढ रहा है। वहीं इस साल देश में डेंगू के मामले 1,10,000 पार हो गए हैं। इस बीमारी से 100 से ज्यादा मौतें दर्ज हो चुकी हैं, जबकि 2022 में पूरे साल में 2,23,000 केस रिपोर्ट किए गए थे। मौसम बदलने से मच्छरों की ब्रीडिंग बढ़ गई है और इस बार पूरे देश में लगातार हुई बारिश ने मच्छरों का काम आसान कर दिया है और डॉक्टरों का काम मुश्किल। इसके साथ ही आइए जानते हैं कि डेंगू के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर का लाल निशान, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी आंखों के पिछले हिस्सों में दर्द डेंगू के लक्षण में शुमार किए जाते हैं। टेस्ट के लिए 3-4 दिन का इंतजार करना बेहतर होता है। 4th या 5th दिन इलिसा और NS1 एंटीगेन ब्लड टेस्ट करवाने से डेंगू कंफर्म किया जा सकता है। इसके साथ ही लोगों में ये जानने की इच्छुकता है कि कहीं ये जानलेवा तो नहीं हो सकता है। ये तो रहे डेंगू के कुछ लक्षण, आइए जानते हैं कि कहीं ये जानलेवा तो नहीं हो सकते हैं। प्लेटलेट्स 20,000 से कम होने, मरीज को मुंह, नाक, दांत या मल से खून आने और पहले से कोई सीरियस बीमारी होने की स्थिति में डेंगू के जानलेवा होने का खतरा बना रहता है। हालांकि ऐसा 10% से कम मरीजों में ही होता है। 90% मरीज आराम करने, लिक्विड चीजें खाने, ताजे फल का सेवन करने और बुखार की दवा लेने पर ठीक हो जाते हैं। बकरी का दूध और दूसरे घरेलू नुस्खे पर डॉक्टरों ने भरोसा न करने की सलाह दी है। तो ये थी साधारण जानकारी डेंगू की जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। ज्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्टरों से सलाह जरूर लें। तो ऐसी ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।